बस यहाँ से तो खट्टरी बनेगा मोदी वाला। अच्छा, 10 साल के राज में इनके कम से कम 50-12 हमारे सरकारी नौकरी लग गया बिना पैसे के। एक गांव में जिसने भी पेपर पास करो अपना बिना पैसे के, 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है। बीजेपी राज में, डा के राज में क्या होता था कि जाट है, सरनेम देख के नौकरी मिलती थी, पर्ची से चलता था पूरा सिस्टम में। बीजेपी सरकार ने जो मान सम्मान सैनिक समाज का बढ़ाया मुख्यमंत्री का पद देकर, उसकी वजह से सैनिक समाज में बहुत खुशी की लहर है। और पहले क्या था जी, पुलिस में लगने के लिए 10-10 लाख लोग हथेली पर रखा थे। 10 लाख पहले दो, उसके बाद नौकरी मिले ना मिले कोई गारंटी नहीं। एक तरफा बीजेपी है भैया, एक तरफा बीजेपी, बीजेपी की है जी। बीजेपी का क्यों मान हुआ बीजेपी ने? बीजेपी बहुत अच्छी क्वालिटी है। अच्छा, नमस्कार, स्वागत आप सभी का सत्य खबर पर। मैं हूं आपके साथ अंशुल शर्मा। अभी मैं करनाल लोकसभा में सर्वे कर रहा हूं और लोगों से जानते हैं कि वो इस चुनाव को कैसे देखते हैं। अभी मेरे साथ युवा है और कुछ बुजुर्ग बातचीत कर लेते हैं कि वो क्या कुछ मानते हैं। नमस्कार जी। हाँ नमस्कार भाई, मैं आपसे पूछता हूँ जी, इस करनाल लोकसभा चुनाव को कैसे देखते हैं आप? बस यहाँ से तो खट्टरी बनेगा मोदी वाला। अच्छा, क्यों खट्टर से क्यों मानते हैं? मोदी की सरकार चल रही, मोदी को वोट मिलेगी सारी। काम काज कैसे रहे हैं मनोहर लाल इस देश में? बढ़िया हो रहे जी। अच्छा, मैं नौकरियों की पूछूंगा, गांव में बच्चे लगे हैं नौकरी? नौकरी लगे, किसी को कोई पैसा लगे? अच्छा, जितने भी लगे। हाँ, मतलब एक पीछे बात चलती थी कि खर्ची पर्ची का सिस्टम होता था, क्या आपकी बार भी मनोहर लाल सरकार में ऐसा हुआ? नहीं, कुछ नहीं ऐसा कोई बात नहीं। जिसमें बच्चे के अच्छे नंबर अच्छी वो करी सुना, अच्छा अच्छे बढ़िया लगे। भाई मैं आपसे पूछूंगा, यही बात है, ये तो कह रहे कि भाई बिना खर्ची पर्ची के बच्चे नौकरी? बिल्कुल है भाई साहब, बिल्कुल है। 10 साल के राज में इनके कम से कम 50-12 हमारे सरकारी नौकरी लग गया बिना पैसे के। एक गांव में गांव कौन सा है? ये अपना करनाल जिले का है जी, शामगढ़ गांव में 50 बच्चे बिना खर्ची पर्ची के? बिना खर्ची पर्ची के जी। अच्छा, बिल्कुल जी। और बीजेपी का पूरा तकड़ा मोल है जी गांव शामगढ़ के अंदर। ऐसा क्या विकास करवा दिया बीजेपी सरकार? बीजेपी, आप सड़कें देखो, और राम मंदिर तो चलो है ही है, सड़कों का निर्माण देखो, और अपना ये अर्थव्यवस्था देखो, सरकारी नौकरियां इतनी हैं। मतलब और लोग ये कहते हैं कि भाई भर्ती कैंसिल हो जाती है या वगैरह वगैरह ये हो जाते, बच्चे नौकरी नहीं लगते जो काबिल। ऐसा है जी, जिसने टेस्ट पास करे वो सरकारी नौकरी है जी। अच्छा, जिसने भी पेपर पास करो अपना बिना पैसे के, 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है बीजेपी राज में। और पहले क्या था जी, पुलिस में लगने के लिए 10-10 लाख लोग हथेली पर रखा थे। जी जी बिल्कुल, 10 लाख पहले दो, उसके बाद नौकरी मिले ना मिले कोई गारंटी नहीं। और अब देख लो आप, हर एक भर्ती में हमारे गांव के 2 से 3 बच्चे कम से कम लग रहे हैं बीजेपी सरकार में जी। तो अब अगली बार इस लोकसभा चुनाव में किसको देखते हैं? बीजेपी जी, खट्टर साहब को, मोदी साहब को। भाई साहब आप क्या कुछ मानते हैं इस लोकसभा चुनाव को? खट्टर की जीत है हमारे विधानसभा में बिल्कुल एक तरफा। क्यों मानते हैं खट्टर की जीत? इन्हें गृह परिवार से सभी जाकत लगे हैं बिना पर्ची खर्ची के। अच्छा, बीजेपी सरकार ने जो मान सम्मान सैनिक समाज का बढ़ाया मुख्यमंत्री का पद देकर, उसकी वजह से सैनिक समाज में बहुत खुशी की लहर है। अच्छा, अरे गांव की बच्चों की ये बता रहे कि 50 बच्चे नौकरी लग गए बिना खर्ची पर्ची के, यह बात सच है? बिल्कुल सच है जी। आज तक कांग्रेस सरकार में लगे नहीं, जिसके पास पैसा था लग जाते थे, गरीब परिवार का एक भी नहीं लगता था। मैं आपसे पूछूंगा, बीजेपी और कांग्रेस में क्या फर्क था जैसे पहले 10 साल पहले और अब में? अभी बताया है जी, पहले इतने इतने पैसे दे के नौकरियां लगते थे, अब फ्री में हमारे गांव के सर्वे करके देखो आप, यहाँ नहीं दूसरी बरादरी में भी देखो सर्वे करके, आपको खुद पता चल जाएगा कितने बच्चे सरकारी नौकरी लग गए हैं बिना पैसे के लग रहे हैं। और पहले तो पैसे दे के नहीं लगते थे, हमारे सैनियों से हैं जी हम जी। तो सैनियों में ही देख लो, पहले पैसे लेके तैयार रखे कराते, बिल्कुल नौकरी नहीं थी जी। और अब बिना पैसे नौकरी है, टेस्ट पास करो बिल्कुल नौकरी है जी। भाई साहब आप क्या कुछ मानते हैं इस चुनाव को लेकर? बीजेपी का जी देखो ये है जी, उन्होंने बहुत मतलब कि काम ऐसे कर रखे हैं। हुड्डा के राज में क्या होता था कि जाट है, सरनेम देख के नौकरी मिलती थी, पर्ची से चलता था पूरा सिस्टम। मेरे नॉन में, मेरे रिलेटिव में जो बंदे मतलब कि मेहनत कर रखी है जिन्होंने, वो 1 रुपया नहीं दिया उन्होंने, ठीक है। मेरा खुद का भतीजा है, सिविल सेक्रेटरेट में है अपने चंडीगढ़ में, उनकी जॉब है। अच्छा, हाँ बिल्कुल, 1 रुपया नहीं दिया था, मेहनत करी थी लड़के ने। वही अगर कांग्रेस के टाइम में होता तो पहले तो वही बात सरनेम देख के पीछे निकाल देते उसको, उसके बाद फिर वही बात 25 लाख 20 लाख पूरा ये था। बीजेपी सरकार के अंडर में हमारी एम्स बने हैं जी, कांग्रेस के टाइम में 2 एम्स थे, हमारे यहाँ पे 26 एम्स आए हैं अभी। अच्छा, जिनके अभी भी मतलब कि उनकी अपना मुहूर्त होने हैं। और आगे सड़क का लगा लो आप,
उसके बाद चलो राम मंदिर ये बोलते हैं कि कांग्रेस ही बोलते हैं कि भाई बीजेपी ने हिंदू मुस्लिम कर दिया, लेकिन एक बात बताओ, जब कांग्रेस स्टार्टिंग से मुस्लिम मुस्लिम करती थी तो जो हमारी बीजेपी है वो तो हमारी हिंदुओं की है, अगर उन्होंने हिंदू कर दिया तो उसमें क्या वो आ गई, उनके अंदर इतनी नफरत कैसे होगी। फिर जी 370 मेन मुद्दा था जी, 370 हटाई उन्होंने, जिसके ऊपर पूरा का पूरा हमारा पूरा कांग्रेस रोटियां सेक रही थी पूरी इस चीज़ के ऊपर। मतलब और भी बहुत विकास है ऐसे, तो बहुत चर्चे में किसानों के बारे में पूछो, किसानों के मतलब फसल के रेट टाइम पे मिल जाते हैं किसान की। देखो जी हम भी फार्मर फैमिली से बिलोंग करते हैं, ये तो एक प्रोपेगेंडा बना रखा है जी खालिस्तानियों ने, उनके साथ कुछ हमारे हरियाणा के भी लगे हुए हैं, वो है कांग्रेसी, सीधी सीधी बात है। फसलों के रेट बिल्कुल जायज़ मिल रहे हैं, MSP भी पूरा अच्छा मिल रहा है, और ये बिना बात की बॉर्डर बंद कर दिए, ये कर दिए, अर्थव्यवस्था पे उसका असर पड़ा है और कुछ नहीं है। प्लस इसमें कांग्रेस है, आप है, और ये सब मिलके प्रोपोगेंडा रच रखा है बीजेपी के खिलाफ। जैसे कि अभी हम किसानों से बातचीत करते हैं, वो कहते हैं भाई हम 1.5 साल वहाँ पर बैठे रहे, हमारे अंदर रोष है इस बात को लेकर के, क्या आपके गांव में भी ऐसा कुछ? नहीं, हमारे गांव में से एक भी बंदा नहीं गया जी वहाँ पे। वहाँ पे सिर्फ वो बैठे थे जो 500 रुपये दिहाड़ी में लग रहे थी, खाने नहीं मिल रहा, दारू मिल रही थी, सब वो बैठे थे वहाँ पे। हमारे गाँव से एक भी बंदा नहीं गया यहाँ से, सब अपने अपने खेतों में काम कर रहे हैं, सबको अच्छा रोजगार मिला हुआ है, बच्चे लगे हुए हैं सबके, रोडें बनी हुई हैं, हर चीज़ से मतलब कि पूरी हम तो सेटिस्फाइड है। स्कूलों की स्थिति के बारे में पूछूंगा, यहाँ के सरकारी स्कूलों के बारे में क्या? स्कूल की जी मिड डे मील इतनी अच्छी कर दी है अब की टाइम में। अब हमारे यहाँ पे 2 स्कूल हैं, एक छोटे के नाम से बोलते हैं, एक बड़े, प्राइमरी और सेकेंडरी, ठीक है। दोनों स्कूलों में आप जाके देखोगे साफ सफाई इतनी अच्छी है, टीचर मिलेंगे आपको अच्छे क्वालिफिकेशन। सबसे बड़ी बात है कि चौटाला के टाइम में घोटाले में अनपढ़ वो कर दिया, टीचर भी भर्ती कर दी जिनकी, अब आप जाओगे ना सब आपको इतने अच्छे अच्छे टीचर मिलेंगे जिनकी ग्रेजुएशन इतनी हाई है। तो बिना पैसे बिना खर्ची पर्ची के सब चल रहा है जी, हम तो बीजेपी के इसलिए समर्थन है हमारा। ये तो भाई साहब बीजेपी के समर्थन में बता रहे हैं कि बहुत सारी बातें गिनवा दी, आप इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? भैया बीजेपी बहुत बढ़िया सरकार है, अच्छे रोड बनाए हैं, हर बढ़िया तरीके से सारे काम हो रहे हैं, और वर्ल्ड में नाम है। युवाओं के लिए क्या कुछ करा है बीजेपी सरकार ने? बिना पैसों के बढ़िया नौकरी मिल रही है बच्चों को, पहले पैसे दे के भी नहीं लग रहे थे, अब यानी कि बढ़िया है, वर्ल्ड में अच्छा नाम है। और मनोहर लाल खट्टर के बारे में पूछूंगा, करनाल में कैसा क्या कुछ रहा है उनका काम काज? बढ़िया काम किए हैं जी उन्होंने, अच्छी सड़कें हैं, यानी कि हर चीज़ बढ़िया है, बढ़िया करा है। अब की बार क्या मानते हैं कांग्रेस और बीजेपी में से एक तरफा बीजेपी है भैया? एक तरफा बीजेपी। गांव का माहौल पूछूंगा मैं, गांव का माहौल आप देख लो, आपके सामने है। अच्छा, आपके सामने बैठे हैं सब, देखो अभी मेरे साथ ताऊ जी है, ताऊ जी राम राम। राम राम भाई। गांव का के कुछ माहौल लग गया है भाई? पार्टी बाजी हो रही प्रधान जी, पार्टी बाजी हो रही, पार्टी बाजी हो रही, कोई तो कहो अभी मोदी आ रहेगा, खट्टर नहीं बनता, साफ कर रहे खट्टर नहीं बनेगा, खट्टर नहीं बनता। ये बालक तो बता रहे मतलब 50 बालक नौकरी लग गए, और लग गया किसी का बाघ आएगा, लग गया चलेगा फिर बाघ आले, 50 साल के बाघ आले हो गए। ना ना देख लिया तो जोर पूरा रहेगा, जोर पूरा रहेगा, पर बनने का नहीं है देख लिया। अच्छा, और बनने का कटल नहीं बनने का। अच्छा, ताऊ जी गांव का के कुछ मोह लग गई की बार अपना? गांव का के बताओ जी, बस अपनी अपनी समझ है। ये गांव के जाकर तो बता रहे हैं कि इनका बीजेपी वाले बढ़िया रहे हैं, बीजेपी वाले ने काम तो बहुत अच्छे करे हैं, बढ़िया करे हैं। हां बढ़िया करे। तेरे गांव में 50 बालक नौकरी लग गई? हाँ लगे हैं, बिना खर्ची पर्ची के भी बाल बता रहे थे। सच्ची बात है यार? नहीं, बिना रिश्वत के लगे हैं, बिना रिश्वत के लगे हैं। हाँ। अच्छा अंकल जी, आपने क्या कुछ लग रहा है इस चुनाव को लेकर के? बढ़िया लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। किसकी पार्टी का पलड़ा भारी लग रहा? बीजेपी की है जी। बीजेपी का क्यों मानो आप बीजेपी ने? बीजेपी बहुत अच्छी पार्टी है। अच्छा, सबको साथ लेके चलती है, युवाओं को बूढ़ों को, संस्कारी है, और जीने का मजा ही बीजेपी में आया। अच्छा हाँ जी। अरे जैसे कि किसानों में एक रोष है कि हम किसान आंदोलन में वहाँ पर दिल्ली बैठे, आप इस बारे में क्या कुछ कहना? वो किसान नहीं है, किसान तो मैं, जो असली किसान है वो तो जाते ही नहीं, जो नकली है वो लोग जा रहे हैं वहाँ पे। तो नहीं MSP के रेट नहीं थे, तीन मतलब जो किसान बता रहे थे हमारे लिए 3 काले कानून लिए सरकार में, बहुत मजा रहे जीने, जीने का ही मजा सरकार में रहे, जीने का मजा। हाँ जी, बीजेपी सरकार, मैं कहूँ जी भगवान मिल गई है सरकार तो हमें। अच्छा, छोटे छोटे बच्चे, जवान बच्चे सब जिंदगी जी रहे ऐस की, नहीं तो लड़ाई झगड़े दंगे बुरा हाल था। अच्छा, पहले ये लड़ाई झगड़े होते? हाँ जी हाँ जी।
अब तो देख लो हर लड़का संस्कारी मिलेगा, आपको इज्जत करेगा आपकी। इस कांग्रेस सरकार में क्या था, गुंडागर्दी। आपके टाइम जब आप जवान थे, जब उस टाइम तो कांग्रेस ये चौटाला की सरकार थी, उस टाइम क्या होता था? बस गुंडागर्दी होती थी, जो कोई संस्कार नहीं थे किसी प्रकार के। मेरा एमएलए, मेरा मिनिस्टर, मेरा फलाना है, मेरा डिगड़ा है, ऐसा होता था, ऐसा था। अरे अब तो कोई बोलते नहीं भी मेरा ये सभी एक जैसे हैं, आप और हम सब एक हैं। बीजेपी ने नौकरियों के बारे में पूछूंगा, क्या कुछ रहा आपके बारे में? बीजेपी ने जी दुम उठा रखे नौकरियों के बारे में खूब, रोजगार के बारे में भी खूब। जब मैं बिल्कुल गांव के बताओ 50 लाख नहीं जी, बिना गारंटी का तो सब कुछ कर रहे हो। अच्छा। किसी को साथ में लेके जाना पड़ा, दल्ले तो बिल्कुल खत्म कर दिए बीच में से। अच्छा। दल्लों का तो सिस्टम ही नहीं रहा, बिल्कुल जी सीधा डायरेक्ट जाओ बात करो, हाँ जी सर काम होगा होगा, एकदम खुले काम हो जाता है। गरीब और अमीर एक समान कर रहे सरकार में। अच्छा। ये सरकार बहुत बढ़िया, पहले के वो थी बंदे का पहनना खाना पहनना उठना बैठना, गाड़ी में आ गया तो उसकी इज्जत कर दी, जो बंदा साइकिल पर उसकी कोई इज्जत नहीं। इस सरकार में सबका एक समान हो रहा है भाई, किसी ना कोई पैसा खर्चने की लोड़ नहीं है, बस इस पढ़ो और लगो बस। इतने भी भरे होंगे पेपर वेपर तो? भर रहे हैं भाई, इबली कटेंगे उसके बाद अपना पेपर देंगे तो बनेंगे, जो नहीं पेपर जो नहीं कुछ कर आएंगे भाई तो हम भी नहीं रहेंगे अपनी फिर खर्ची पर। कांग्रेस सरकार होंगी अपना 10-12 लाख रुपए लागे भाई, हम भी गड़े लग जाते। इस सरकार में सब एक समान, अमीर गरीब सब एक समान। मजे आ रहे हैं, बहुत मजे आ रहे भाई, जिंदगी जी रहे। कितना वोट दे हुआ मोदी की वोट भाई, अपना 2 बार श्रीनगर जाया, छाती चोरी करके घूम का है भाई, कोई डर नहीं है। कांग्रेस सरकार में लुक आना पड़ा था भाई। अच्छा। मुसलमानों दे है भाई, क्या कहोगे इस बारे में आप? जो ये भाई बात तो सही कह रहा है भाई, पहले लाल चौक पर आतंक फैल रह कर दवा, इब खुले धड़ाके से जा सके बंदा वहाँ। अच्छा। श्रीनगर में भी बीजेपी अच्छा। सरकार में सारे काम बढ़िया हो रहे, रोड भी बढ़िया बन रहे, यूपी में जानदो ड्रे करा थे लोग, इब खुले धड़ाके तो फिरा। अच्छा। बीजेपी सरकार आ रही जत्ता। अरे यार चलो तो यूपी की बात होगी, करनाल की पूछूं मैं, ग्राउंड की स्थिति क्या कुछ है भाई? सब कुछ बढ़िया, पहले झाड़िया भी नहीं कटे करा थी ग्राउंड में, था इब ग्राउंड चेक कर सको जागा, एक को छोड़ रहे भाई मारे को छोड़ रखे है ग्राउंड में बढ़िया। अच्छा। और अपना बालक जावा शाम सुमना खेलन बढ़िया, डाला वहाँ जावा अपना झूले वगैरह सब कुछ सिस्टम बढ़िया। मनोहर लाल के काम काज किसे करें? सब बढ़िया हो रहा है भाई, बढ़िया। गाँव में विकास कितना गया? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। के क्या मतलब, गंदगी और गुंडागर्दी बिल्कुल सफाया कर दिया। अच्छा। सारी जगह सफाई सफाई है। अरे पहले ये तारे रोड जब कांग्रेस सरकार थी 10 साल पहले किसे थे? बस रोज मच्छर मारे कर बैठकर मेरे भाई यूपी में देख लो कितनी गुंडागर्दी, तो सब खत्म कर दी योगी सरकार ना, नहीं तय नहीं हिंदू तो यूपी में लिकट भी नहीं सकता, कावड़ लेकर देख लो मांस घेरे करते उनके ऊपर, नहीं छत्ती चोटी करके जाओ कावड़ी भी। अच्छा। सब एक समान हो रही सरकार में, और के चिया कावड़ लेने जावा जावा भाई, ठीक है पहले तो दिल खुल छोल कर रात ना 12 बजे भी आएंगे, जित भी कोई डर नहीं, किला किला बंदा भाग हमारा कावड़ लेकर। हाँ जी नमस्कार जी। जी नमस्कार, हम चुनाव का सर्वे कर रहे हैं, इस बार लोकसभा चुनाव में क्या कुछ लग रहा है? लोकसभा चुनाव में हम जो महिलाएं हैं, हम तो यही कहेंगे कि हम तो 100% बीजेपी की साइड है। अच्छा। क्योंकि जैसे हरियाणा सरकार में देखो, नेशनल लेवल तक भी जो मोदी सरकार ने किया है, बीजेपी ने किया है, वो किसी सरकार ने ना किया और ना कोई आगे कर सकता है। अच्छा। लेडीज़ों के लिए स्पेशल क्या क्या काम किया लेडीज़ों के लिए? लेडीज़ों के लिए स्पेशल ये काम किया कि NRLM और हरियाणा में जैसे HSRLM है, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए और उनके थ्रू जो महिलाएं बिल्कुल अपने घर तक सीमित होकर रह गई थी, पढ़ी लिखी महिलाएं थी, अब इसमें देखो जो कम पढ़ी लिखी है उसके लिए भी आगे बढ़ने का अवसर है और जो ज़्यादा पढ़ी लिखी है उनके लिए भी आगे बढ़ने का अवसर है। आज महिलाओं को अगर कुछ अपना काम शुरू करना है तो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता, अपने घर में भी किसी से पैसे नहीं मांगने पड़ते, जो ये ग्रुप बनाए हुए हैं इनके थ्रू वो वहाँ से पैसे लेती हैं, बिल्कुल 1% पे उनको पैसा मिलता है और अपने काम चलाती हैं, रोज़गार आजीविका बढ़ा रही हैं। और जैसे लखपत दीदी बनाई है सरकार ने, अभी मोदी जी ने 8 मार्च को बोला था कि 2 करोड़ लखपत महिलाएँ और बनानी हैं बहनें। हाँ तो इस पर आपको भी इन चीज़ों का लाभ मिला है? हाँ मुझे भी मिला है, मैं सेल्फ हेल्प ग्रुप से हूँ गांव शामगढ़ से, और मैं पहले अपने गांव में विलेज फैसिलिटेटर का काम करती हूँ और FLCCRP की ट्रेनिंग ली है, BC सखी की ट्रेनिंग ली है और बहुत अब आगे मैं इसी पे काम कर रही हूँ। आपके गांव के बच्चों के बारे में पूछूंगा, कितनी क्या कुछ नौकरियाँ लगी सरकार में? अभी सरकार में हमारे गाँव में से 65 बच्चे अभी करंट में नौकरी मिली है। अच्छा। हाँ गवर्नमेंट मतलब बढ़िया है सरकार, बहुत अच्छी है। चलो एक भाई और आए हैं,
भाई चुनाव के बारे में पूछेंगे, क्या कुछ माहौल चल रहा है आपके बारे में? चुनाव का भाई बीजेपी का मार काम, बीजेपी का चल रहा है? हाँ। क्यों मानते हैं बीजेपी का? भाई उन्होंने बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। अच्छा, पढ़े लिखे आदमी अपने देश वास्ते बहुत कुछ कर रहे हैं ना भाई। अच्छा, ये पीछा बालक बता रहे थे ना, वो 65 बालक नौकरी लग गए 10 साल में भाई, जो पेपर क्लियर कर रहे हैं वो लग रहे हैं। स्पार्क्स की कोई लोड ही नहीं इसमें, काम काज बढ़िया है। मनोहर लाल खट्टर के बारे में पूछो, उनका कार्यकाल कैसा रहा है? भाई बढ़िया कार्यकाल रहा, कोई कमी नहीं है कार्यकाल में। बीजेपी बनेगी। श्यामगढ़ गांव में अभी मैं मौजूद था और यहां के लोगों ने बताया कि मतलब बीजेपी ही बीजेपी है यहां पर, मतलब यहां के 65 बच्चे नौकरियां पे लगे हैं। आपको इस सर्वे में क्या कुछ खास बात लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कैमरे से होगी विकास सैनी के साथ मैं अंशुल शर्मा, नमस्कार। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।